પિયર ઓઢો ને પિયર કે છોડો એ મારા સાસર યારો શ્રંગાર સતગુરુ સમરથ હે ક્યું જી અચ્છા એક બાત બતાવ આપ લોગ જબ હમ રક્ષાબંધન આતી હૈ મહારાજ રાખી આતી હૈ તો સબ જીત જીવન જણે અપના માઈકા જા પિયર જા ઓર જબ વહાં જાતી હૈ ના મહારાજ તો ધ્યાન રખના એ માતાજી કી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કા મહોત્સવ હૈ બોલો શીતલા માતા કી જય જબ પિયર જાતે હૈ તો માતાએ જબ રક્ષાબંધન કા ત્યોહાર હોતા હૈ ભાઈ કી કલાઈ મે જબ રાખી બાંધતી હૈ और जब वापस आती है या तो माँ या फिर भौजाई या तो बेटीरी माँ या बेटीरी महाराज भौजाई अपनी श्रद्धा अनुसार 1000 रुपयारी या 500 रुपयारी कहीं ना कहीं साड़ी लावे और बेन बेटी ने साड़ी उड़ावे ठीक है उनकी श्रद्धा अनुसार वह कितना रिच उड़ावे पर महाराज बेन बेटी जब वह साड़ी ओढ़ के घर आवे ने सपने बतावे देख हमारा पिताजी कर रही है हमारा भाई कर रही है लेवा कैसी जोवे बड़ा अभिमान होवे पर एक बात ध्यान रख जो जब बहन बेटी कुछ ओढ़ कर जाती है घर से तो वह भौजाई या माँ कहीं कहवे बेटा तू नवी साड़ी ओढ़ के तो जा रही है पर आज तीज को कपड़ो छोड़ जा कहीं कहीं कहवे आज तीज को कहीं ना कहीं तो मतलब तू ओढ़ कर जा रही है तो कुछ छोड़ भी जाना तो वो तो महाराज माइके की बात हो गई ये तो सत्संग की बात है गुरुजी आप क्या कहना चाह रहे हैं तो जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं संतों की शरण में जाते हैं तो वो भी हमें नाम की चुनर उड़ाता है गुरुजी नाम देते हैं ना वो नाम की नाम का अर्थ है सत्य परमात्मा के नाम की चुनरी हमें उड़ाई जाती है और चुनर उड़ा के ही तो कान में फूंक देते हैं और फिर तो गुरु नाम दिया जाता है तो गुरुजी नाम देते हैं तो गुरुजी कहते हैं यहाँ आकर सत्य की चुनर ओढ़ ली है तो आस्तीज में जितना संसार का झूठ कपट छल छिद्र सब यहीं छोड़ जाना और सत्य की चुनर ओढ़ जाना तो ये असर करेगी और नहीं तो जैसा आया वैसा ही चला गया तो क्या मतलब इसलिए आज कथा की पूर्णा होती है तो पूर्णा होती है मन में ये विचार कर लेना आज से एक नियम करेंगे कुछ नहीं हो तो एक एकादशी का व्रत करेंगे और दूसरा हमारी सारी बुरी आदत जो है उनका हम त्याग करेंगे मन में सोच लो परमात्मा को पता है या आपको पता है हम जाने कि वो जाने बस मन की बात जानने वाला तो परमात्मा है और भगवान को सब पता है तो उस परमात्मा से कह दो प्रभु अगर कोई हमें अवगुण है तो हम छोड़ तो नहीं सकते पर हे द्वारिकाधीश भगवान आप समर्थ हैं आप हमसे छुड़ा सकते हैं महाराज तो ये भगवान से प्रार्थना करें सभी तो आज पूर्णाहुति है और सोलंकी परिवार का बड़ा भाग्य रहा बड़े भाग्यशाली महाराज आप सभी रहे कि आज आपके पितृ भी प्रसन्न हो रहे होंगे वहां से पितृ भी खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरे कुल में मेरे बच्चों ने भागवत कथा का आयोजन किया और महाराज ये धरती भी धन्य है इस धरती पे आपके सोलंकी परिवार ने ही बैठकर भगवान का भजन नहीं किया अर्थात महाराज समस्त हाटिकला के लोगों ने आकर माताओं ने आकर यहाँ भगवान का नाम पुकारा महाराज और पूरे गांव की माताएं यहाँ आकर भजन कर रही है भगवान को पुकार रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ये धरती पवित्र हो गई और जिस कुल ने आयोजन किया वो कुल भी पवित्र हुआ और साथ ही साथ उनके पितृ भी वहां से खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे महाराज